Hello everyone. The next chapter which we are going to start of production and operations management is chapter number 10, sequencing problems. Up sequencing problems mein what we are going to discuss is the problems which are being faced by factories or manufacturing units. Aisi problems jo manufacturing units mein ya factories mein face ki jati hain with regard to the sequence of the work to be performed, wo hum yahan par discuss karenge. अब ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो किसी भी यूनिट को सीक्वेंस के रिगार्डिंग फेस करनी पड़ सकती हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल. हमारे पास दो मशीन्स हैं, एक है मशीन ए और एक है मशीन बी, एंड वी हैव एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस जो हमने इन दोनों मशीन्स के ऊपर लगाने हैं. प्रोसेस का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, कोई भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क हैं या जॉब है या कोई भी काम है जो हमने इन दोनों मशीन्स के थ्रू पूरा करना है, मैन्युफैक्चरिंग का काम. अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जो काम परफॉर्म करना है वो ज़्यादा है और जो मशीन्स हैं हमारे पास वो हैं कम, दे आर लिमिटेड इन नंबर. और जो भी हमने डिफरेंट वर्क्स परफॉर्म करने हैं उनको अलग अलग टाइम लग रहा है. किसी एक प्रोडक्ट को, किसी एक जॉब को ज़्यादा टाइम लगेगा, किसी एक जॉब को कम टाइम लगेगा, बट काम इन दोनों मशीन्स के थ्रू ही होगा. तो अब हम क्या करें, हम ऐसा कौन सा ऑर्डर तैयार करें कि इन एट वर्क्स में से किस काम को पहले परफॉर्म किया जाए और किस काम को बाद में परफॉर्म किया जाए, सो दैट हम ये इंश्योर करवा पाएं कि हमारा जो आइडल टाइम है वो मिनिमम हो. आइडल टाइम मिनिमम होने का मतलब कि मेरे पास अगर एट जॉब्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगर मैंने बोला है कि हर एक को डिफरेंट टाइम लग रहा है, लेट सपोज इसको लग रहे हैं 2 days और इसको लग रहे हैं 10 days, इसको लग रहे हैं 15 days, तो अब हम कैसा ऑर्डर डिसाइड करें कि अगर कोई एक काम मशीन में लग जाता है तो बाकी के जो काम पेंडिंग हैं उनको ज़्यादा देर तक वेट ना करना पड़े. ऑब्वियस है, मशीन एक टाइम पर एक ही काम को परफॉर्म कर सकती है. अगर मैं उसमें जॉब 1 को सबसे पहले लगा दूंगी तो बाकी सभी प्रोसेसेस को 15 दिनों के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जॉब 1 को कितना टाइम लग रहा है, 15 डेज लग रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि बाकी सारे जॉब को 15 दिन वेट करना पड़ेगा. बट अगर मैं क्या करूँ, फर्स्ट जॉब को अप्लाई करने की बजाय मैं ऑर्डर में सबसे पहले 7th जॉब को परफॉर्म करूँ, अगर 7th जॉब को परफॉर्म करती हूं तो मुझे 2 दिन ही लगेंगे, तो जो बाकी के काम है उनको वेट कम करना पड़ेगा, उनका जो टाइम वेस्टेज होगी वो कम होगी. तो हमने क्या करना है, सीक्वेंसिंग में ऑर्डर डिसाइड करना है कि आप किस ऑर्डर में अपने काम को परफॉर्म करो ऑन डिफरेंट मशीन्स, सो दैट आपका जो टाइम है आइडल टाइम वो कम हो सके और आपकी जो मार्केट में डिमांड है वो ऑन टाइम पूरी हो. इसी वजह से सीक्वेंसिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है विद अ टेक्निक, क्योंकि अब ये ऑर्डर डिसाइड करना एक टेक्निक है, एक वे है, एक हमें फॉर्मूला दे दिया या एक हमें टेक्निक दे दी कि इसी के थ्रू आप ऑर्डर डिसाइड करोगे. तो अगर आप ऐसे ऑर्डर डिसाइड करोगे तो आपका जो टाइम होगा वो वेस्ट कम जाएगा और जो हमारा ऑर्डर आएगा, जो सीक्वेंस आएगा, वो हमारा ऑप्टिमल सीक्वेंस होगा इन दैट केस. अब यहाँ पर हमने केस लिया है 2 machines का. आपको केस ऐसा भी आ सकता है कि वो 3 machines का केस हो, या फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे जहाँ पर हमने, हमें जॉब भी दी हुई है और जॉब के साथ साथ हमें ये भी बताया है कि हर एक जॉब के कितने नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने हैं. तो डिफरेंट केसेस हैं विच वी विल सॉल्व इन आर फर्दर वीडियोज. अब हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको जो मशीन्स दी हैं उनका ऑर्डर दिया होना चाहिए, मतलब कि अगर कोई भी काम है वो पहले मशीन बी में जाएगा या पहले मशीन ए में जाएगा, ये ऑर्डर आपको दिया होना चाहिए, या पहले ए में जाएगा बाद में बी में जाएगा. सो दैट ऑर्डर नीड्स टू बी गिवन टू यू इन एडवांस, अदरवाइज हम कुछ एजम्पशंस लेंगे और उसके बेसिस पर सॉल्व करेंगे. अब यहाँ पर ऑप्टिमल सीक्वेंस निकाला कैसे जाता है, दैट वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल, तब जाकर आपको सारा क्वेश्चन क्लियर होगा और ये पूरे का पूरा पार्ट पता चलेगा कि सीक्वेंस निकाला कैसे जाता है.
So this is the question which is given to us. 7 jobs go first over machine 1 and then over machine 2. मतलब आपको सीक्वेंस बता दिया कि मशीन्स किस ऑर्डर में काम करेंगी, 1 to 2 में, कि कोई भी काम है वो पहले मशीन 1 में जाएगा फिर वो मशीन 2 में जाएगा. प्रोसेसिंग टाइम इन डेज इज गिवन. आपको डेज में हर एक जॉब के ऊपर कितना टाइम लग रहा है वो गिवन है. जैसे जॉब्स हमें बोली गई हैं ए टू जी हैं, जो हमने लास्ट अभी एग्जाम्पल में किया था 8 टाइप्स ऑफ वर्क. यहां पर आपको वो ए बी सी डी ई एफ जी के नाम से दे दिया. देन मशीन 1 और मशीन 2 भी दे दिया. और हर एक जॉब को मशीन 1 में कितना टाइम लग रहा है, मशीन 2 में कितना टाइम लग रहा है, वो भी हमें हर एक ये बता दी है डिटेल. कि ए को मशीन 1 में 6 डेज लग रहे हैं, ए को मशीन 2 में 16 डेज लग रहे हैं. डेज क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में डेज हमें ऑलरेडी बता दिए. और ऐसे ही आपको सारे का डिटेल दे दिया. और क्वेश्चन में बोला है हमने निकालना है ऑप्टिमल सीक्वेंस, टोटल इलैप्स्ड टाइम एंड आइडल टाइम ऑफ बोथ मशीन्स. अब यहां पर ऐसे क्वेश्चंस ही आपको मिलेंगे, इसी पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे. इनको सॉल्व करने का जो सबसे बेस्ट वे है, आपको क्या करना है, जो भी ये टाइम दिया है इसको दोबारा से नोट करना है. आई हैव नोटेड इट डाउन. जॉब्स सेम मैंने नोट किया है, और उस ऑर्डर में नोट करोगे जिस ऑर्डर में आपकी मशीन्स काम कर रही हैं, इन दैट ऑर्डर. सो हमने अब यहां पर क्या किया, जिस ऑर्डर में हमें दिया गया था क्वेश्चन, मशीन्स के ऑर्डर में हमने उनको डिसाइड लिख लिया, सेम क्वेश्चन को रिपीट कर लिया. हमने अब किसका सीक्वेंस डिसाइड करना है कि ये जॉब कैसे परफॉर्म की जाए, कौन सी जॉब पहले आए, कौन सी जॉब बाद में आए. फॉर दैट यू नीड टू राइट मशीन 1 एंड मशीन 2 एट 2 डिफरेंट एंड्स. किसके एंड पर? हम यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बनाएंगे और उस टेबल में हम डिसाइड करेंगे कि कितनी जॉब्स हैं. सबसे पहले उतने नंबर ऑफ कॉलम्स. सो आई हैव हियर 7 जॉब्स. मैंने 7 कॉलम्स यहाँ पर प्रिपेयर कर लिए. एट वन एंड आई विल राइट मशीन 1 एंड एट सेकेंड एंड आई विल राइट मशीन 2. ये आपको मशीन 1 या मशीन 2 ये नहीं देखना कि यहाँ पर 1 है तो पहले लिख दिया, 2 है तो बाद में. जिस ऑर्डर में मशीन्स के ऊपर काम जा रहा है, हमारे क्वेश्चन में पहले मशीन 1 पर काम जा रहा था तो वहां लिख दिया, 2 पर बाद में जा रहा था तो उसको एंड में लिख दिया. अगर 2 पर पहले जाता है तो 2 को यहां लिखते, 1 को यहां लिखते. अब हमने क्या करना है, यू नीड टू हैव अ पेंसिल व्हाइल सॉल्विंग द सीक्वेंस. यहां पर जो भी जॉब्स दी हैं या जो टेबल दिया है, सबसे मिनिमम वैल्यू उसमें से पिक कर लो, सबसे मिनिमम. अगर पूरे टेबल को स्क्रूटिनाइज किया जाए, देन वी हैव 2 डेज एज द मिनिमम टाइम गिवन टू अस. सबसे मिनिमम वैल्यू है टेबल में से. अब ये जो 2 डेज की वैल्यू है, ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? मशीन 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग. मशीन 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 डेज की मिनिमम वैल्यू है. मशीन 2 हमने बिल्कुल एंड में लिखा हुआ है, तो एफ को कहां लिखेंगे? मशीन 2 से स्टार्ट करेंगे. मिनिमम अमाउंट जिस भी मशीन के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगी, आपने उसको वहीं से ही लिखना स्टार्ट करना है. हमारे पास एफ की मिनिमम अमाउंट थी 2, वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग थी? मशीन 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो उसको मशीन 2 से लिखना स्टार्ट कर दिया. अब क्या करेंगे, इसको कर देंगे कैंसिल, क्योंकि इसको आपने एक बार लोकेट कर लिया है. नेक्स्ट, अब जो बाकी बची हुई जॉब्स हैं उनमें से आपको निकालनी है सबसे मिनिमम अमाउंट. अगर फिर से स्क्रूटिनाइज किया जाए तो मिनिमम अमाउंट एक तो आपकी आ रही है जी की 6 और ए की 6. ए की जो 6 आ रही है वो मशीन 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, जी की जो 6 आ रही है वो मशीन 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर दोनों की वैल्यू एक ही मशीन के कॉरेस्पॉन्डिंग आती तब प्रॉब्लम होती है. यहां पर तो जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो डिफरेंट मशीन्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रही है, ए की मशीन 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, जी की मशीन 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग. अब हमें पता है जिसकी वैल्यू जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ रही है उसको वहीं से ही लिखना स्टार्ट करना है आपको. सो ए की मशीन 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, मशीन 1 यहां पर है, तो यहां की जो फर्स्ट स्पेस है ए, इसको कर दिया कैंसिल.
जी है, जी की मशीन टू के कॉरेस्पॉन्डिंग है, उसको यहाँ से लोकेट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से जो हमारे पास अब अवेलेबल स्पेस बनती है वो ये बनती है, तो हमने इसको भी कर दिया कैंसिल। नेक्स्ट, अब जो बाकी बची हुई हैं उनमें से मिनिमम वैल्यू उठा लेते हैं। उनमें अगर देखा जाए तो अब आ रही है आपकी डी की मिनिमम वैल्यू 12 है दोनों केसेस में, इन बोथ द केसेस इट इज 12, मतलब 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी और 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी। तो अब इसको कहाँ लिखा जाए, दैट इज इंटायरली ऑप्शनल। आप अगर उसको मशीन 1 के अकॉर्डिंग देखोगे तो वो यहाँ पर आएगी, मशीन 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखोगे तो वो यहाँ पर बनती है, बट लिखा तो एक ही बार जाना है एक जॉब को। आपकी मर्जी है, आप उसको जहां मर्जी लिख सकते हो, टोटल आंसर पर आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ही मशीन्स पर उसको इक्वल टाइम लग रहा है। तो चाहे आप उसका ये टाइम कंसीडर करो, चाहे आप उसका ये टाइम कंसीडर करो, अगर फर्स्ट टाइम कंसीडर करते हो तो उसकी लोकेशन ये बनती है, अगर सेकेंड टाइम कंसीडर करते हो तो मशीन टू के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो ये लोकेशन बनती है। इट्स अप टू यू, आप दोनों ही वेज से अगर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सेम आएगा। आई एम पुटिंग इट हेयर, मैं उसका ये टाइम कंसीडर कर रही हूँ, तो मशीन वन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ गया, आई हैव कैंसल्ड इट आउट। नेक्स्ट, अब बची हैं बाकी की दोनों, तीन मशीन्स बची हैं बी सी एंड ई। इनमें देखते हैं कि मिनिमम अमाउंट क्या है, 20, 20 एंड 20 तीनों केसेस में। ये जो 20 है ये मशीन 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग है और ये जो 20 दोनों आ रहे हैं ये मशीन 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग है। अब इस केस में जो मशीन 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग है उसको तो उसकी लोकेशन में लोकेट कर देंगे, क्यों? क्योंकि उसका इनके साथ कोई टाई नहीं है। तो ई जो मशीन है, मशीन ई जो जॉब है वो मशीन 1 के अकॉर्डिंग मिनिमम है, तो मशीन 1 के अकॉर्डिंग हमने उसको रख दिया यहाँ पर और उसको कर दिया कैंसिल। टाई इन दोनों के केस में है क्योंकि मशीन 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग ही दोनों की मिनिमम वैल्यू आ रही है। अगर एक मशीन की दूसरी मशीन के साथ कंपेयर करते टाइम अगर मिनिमम वैल्यू आए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर एक ही मशीन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी वैल्यूज आ रही हैं, आपकी दोनों मशीन्स के डिफरेंट पार्ट हैं, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पर मशीन 2 के रिगार्डिंग इक्वल है 20-20, तो किसको कैसे लोकेट करें? तो यहाँ पर आप क्या करोगे, टोटल निकालोगे दोनों टाइम्स का। हेयर इट इज 44, हेयर इट इज 50 मिनिमम टाइम। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब आपको क्या लोकेट करना है, क्योंकि हमने हमेशा मिनिमम टाइम को पिक करना है, एवरी टाइम वी नीड टू पिक द मिनिमम टाइम। हम उठाएंगे मिनिमम टोटल को, टोटल कर लिया एक बार, आपको पिक करना है मिनिमम को। मिनिमम को पिक करेंगे तो आ रही है बी मशीन, बी जॉब। तो बी जॉब को आप पहले लोकेट करोगे और सी को आप बाद में लोकेट करोगे। आई एम रिपीटिंग, आपको अगर ऐसा कभी भी टाई का केस आए तो आपको टोटल निकालना है। टोटल निकालने के बाद आपको क्या करना है, जिसका भी मिनिमम टोटल है उस जॉब को पहले लोकेट करोगे और सेकेंड जॉब को बाद में लोकेट करोगे। अब बी का वो पिक करेंगे, बी का जो मिनिमम था वो 2 मशीन के कॉरेस्पॉन्डिंग था, 20 2 मशीन के कॉरेस्पॉन्डिंग था, तो उसको 2 से लोकेट करना शुरू करते हैं बी। मिनिमम इज विद रिस्पॉन्ड टू मशीन 2, तो उसको 2 से लोकेट करना शुरू कर दिया पीछे से। ये हो गया आपका डन, जो बचा है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू सी, जो जिस मशीन के कॉरेस्पॉन्डिंग है उसको वहीं से ही लिखना स्टार्ट करना है। सो हेयर योर सीक्वेंस इज फाइनल, आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है, A to D to E to C to B to G to F। इस ऑर्डर में अगर आप काम करोगे तो आपका जो टाइम है वो कम होगा और आपका जो डिमांड है वो ऑन टाइम पूरी हो जाएगी। बाकी के पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।